हाँ, बहुत मुश्किल से ऑन हो रहा था। दूसरा कि पिक्चर पिंक हो जाती थी पूरी और बंद होकर दोबारा स्टार्ट हो रहा था। ओनली 5.1 तो 600 मिली वोल्ट ज़्यादा थी ओनली 600। तो इस चाइना के बोर्ड में ये जो कॉइल लगी है इस पर पाइप बनती है और इस पाइप को बनाने के लिए रेगुलेट करने के लिए ये आईसी लगी थी। ये हमारे पास कल एक एलईडी आया था, 40 इंची का कोडेक है, एंड्रॉइड वॉइस रिमोट है। और दिक्कत क्या थी इसमें, सबसे पहले तो कि जब इसे ऑन कर रहे थे रिमोट तो इसका खराब था, इसका ये पावर का बटन काम नहीं कर रहा था, तो इससे तो ऑन करा नहीं। यहाँ ऑन ऑफ स्विच से काम नहीं कर रहा था, बहुत बार दबाओ चिमटी से हमने शॉर्ट करके देखा, नहीं ऑन हो रहा था। बहुत मुश्किलों से 2-4-5 बार पावर केबल निकाल के दोबारा लगाओ जब ऑन हो रहा था ये। और इसके अलावा इसमें क्या दिक्कत थी, इसके अलावा इसमें कि अगर ये ऑन हो भी रहा था तो पिक्चर जो थी थोड़े देर बाद किसी भी टाइम पिंक आ रही थी और पिंक आके बंद हो जा रहा था सेट और अपने आप स्टार्ट हो जा रहा था, रीस्टार्ट हो रहा था। दो प्रॉब्लम थी, एक तो ये ऑन नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से ऑन हो रहा था, दूसरा कि पिक्चर पिंक हो जाती थी पूरी और बंद होकर दोबारा स्टार्ट हो रहा था। तो काफ़ी देखने के बाद एक बात इसमें पकड़ में आई हमारे, वीडियो उसी टाइम इसलिए नहीं बनवा पाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, ये क्लियर नहीं हो रहा था कि पैनल से भी फॉल्ट हो सकता था। तो पहले ये कन्फर्म करा एक यूनिवर्सल लगा के कि पैनल क्लियर है या नहीं, तो पैनल इसका क्लियर था तब हमने इसका मदरबोर्ड में काम करा है। तो मदरबोर्ड में यहाँ पर एक सप्लाई बनती है, यहाँ पर एक सप्लाई बनती है 1.5, ये नहीं आ रही थी। और हो क्या रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक 5 आती है वो 5 वोल्ट दिखा रही थी, 5.6 ओनली 5 की जगह 5.6 थी, इसलिए एक बार में उसको हम पकड़ नहीं पाए। बाद में बहुत ध्यान से देखा तो ये वाली वोल्टेज थोड़ी सी हाई थी, ओनली 5.1 तो 600 मिली वोल्ट ज़्यादा थी, ओनली 600 मिली वोल्ट ज़्यादा आ रही थी। तो इसकी जगह हमने क्या करा, एक आईसी बदली, ये आईसी लगी थी इसके अंदर है और ये आईसी हमने एक पुराना बोर्ड हमारे पास पड़ा था यहाँ से निकाली है। ये आईसी यहाँ 5 वोल्ट बनाती है तो ये निकाल के हमने लगाई है। कभी अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये आईसी लगानी है रेगुलेटर आईसी तो ये यहाँ 5 वोल्ट बनाती है, तो इसकी जगह कौन सी लगाएं तो नंबर मत देखिए आप, आप कोई दूसरा चाइना का बोर्ड ले लीजिए, ये भी चाइना का है। तो इस चाइना के बोर्ड में ये जो कॉइल लगी है इस पर पाइप बनती है और इस पाइप को बनाने के लिए रेगुलेट करने के लिए ये आईसी लगी थी, मैंने ये आईसी निकाल के लगाई है यहाँ पे। और ये 5 वोल्ट एकदम फिक्स हो गई है, पूरी आ रही है इसमें, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 5.2 दिखा रहा है, ये 5.6 आ रही थी, 6-7 बस, ये इतनी सी वोल्टेज हाई थी इसकी वजह से इतना ये नखरे कर रहा था। अब ये वोल्टेज एकदम एक्यूरेट हो गई तो सेट भी आपका एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार में अब ऑन हो रहा है, ये ऐसे ऑन नहीं हो रहा था। तो देखा आपने दोस्तों, तो आप भी आइए इसी तरीके से सीखिए, चिप लेवल काम करिए, और आपके पास कोई सेट आएगा या कुछ होगा वो मैं कर दूंगा, अगर नहीं हो पाएगा आप उसको देखिए कि कैसे करा गया। तो कार्ड लेवल चिप लेवल दोनों ही कराया जाता है यहाँ पे एलईडी में, तो आइए और सीखिए।